हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आखिर क्यू बेसिक में दो नंबर्स को ऐड तो हमने करा लिया है, इसको माइनस करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना, आइए उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा काम है उसको भी पूरा कर लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्यू बेसिक आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल है तो क्यू बी सिक्स टी फोर जा करके सर्च कीजिए गूगल पे और फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास डाउनलोडेड है तो हम यहाँ पर क्यू बेसिक वाले कमांड्स चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखेगा प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, क्योंकि दो नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने एडिशन करवाया था, तो ये हो जाएगा एंटर द फर्स्ट नंबर। अच्छा, एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट आपको नहीं लगाना है। ब्रैकेट लगाएंगे तो जैसे मेरे में एरर आ रहा है आपके में भी एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा लिखिएगा एंटर द फर्स्ट नंबर। ये पाइथन नहीं है, ये क्यू बेसिक है। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, ना ये सी लैंग्वेज है, ना ये सी प्लस प्लस है, ना ये जावा है, तो ब्रैकेट इज नॉट अलाउड हियर। ठीक है, तो एंटर द फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, एंटर कर दिया, नीचे आ गए, एंटर द सेकंड नंबर करेंगे। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला नंबर आप एंटर करेंगे वो जाएगा कहां, तो यहां पर इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे और उस इनपुट स्टेटमेंट में ए को स्टोर, मतलब ए में इसको स्टोर करा देंगे। ठीक है ना, ए के अंदर क्या किया, इसको स्टोर करा दिया। फिर यहां पे एंटर करके नीचे आएंगे, फिर यहां प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट कमांड लिखेंगे और लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। तो ये हो गया और ये इस तरीके से कर दिया और एंटर कर दिया। और फिर यहां पे इनपुट लिखेंगे, इनपुट कमांड, और यहां बी लिखेंगे। ठीक है, तो यहां बी लिख दिया, आप एंटर करेंगे और यहां पे लेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो यहां लिखा लेट। ठीक है, और यहां पर एक और वेरिएबल सी नाम से बना लेता हूं। ठीक है, सी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या देंगे यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ a इंटू बी दे दीजिए, लेकिन अगर आपको डिवाइड करना है तो c इज इक्वल टू a अपॉन b दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल c इज इक्वल टू a अपॉन b मैंने कर दिया है, और ये करने के बाद करना क्या होगा, एंटर कर देना होगा सीधे तौर पर। तो ये एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं ना, तो प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट द डिविजन। अब ध्यान दीजिएगा, द डिविजन इज, ये लिख दिया। ठीक है, तो डबलेटेड कॉमा यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने और यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और यहाँ पे डिवीजन जाके स्टोर किस में होगा, सी में होगा। तो बस ये बन गई, आपका प्रोग्राम बन गया। देखिए, आप इसको रन करवाना है, F5 प्रेस कीजिएगा, ये प्रोग्राम एक्सिक्यूट होगा, फिर रन होगा। जैसे ही रन होगा आपको आउटपुट आपके सामने नजर आ जाएगा। देखिए, तो यहां पर जैसा कि देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। तो चलिए पहला नंबर एंटर करते हैं 7। ठीक है, और यहां पर एंटर करते हैं 2। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा, यहां पर नो डाउट 3.5 ही आया है। इस तरीके से आप डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सी लैंग्वेज में होता है, जैसे पाइथन में होता है, वैसी कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें फ्लोट भी एक्सेप्टेबल है क्या, देखिए यहाँ पे फ्लोट में रिजल्ट तो आ जा रहा है, लेकिन क्या हम फ्लोट नंबर एंटर कर सकते हैं। तो F5 पे एक बार फिर से प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे मैं फ्लोट नंबर एंटर करता हूँ 6.5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6.5 भी यहाँ पे ले ले रहा है, और यहाँ पे देखिए इसका भी डिवीजन करके हमें ये दे दे रहा है, देखिए डिवीजन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोट भी एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कुछ आपको करना नहीं होगा, ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। यहां से ये डिवीजन हटा दीजिएगा, ए माइनस बी कर दीजिए, और यहां पे डिवीजन की जगह खाली आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आपको दे देगा, तो यहां पे लिखिए सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्शन, हो गया। तो सब्ट्रैक्शन इज सी कर दीजिएगा और यहां से F5 कर दीजिएगा, ये रन हो जाएगा और रन होने के बाद आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां पे सब्ट्रैक्ट करवा के दिखाता हूं, 77 है, अब एंटर किया, अब इसमें से 10 माइनस करता हूं तो 67 आना चाहिए। तो यहां पे देखिए 67 ही आया हुआ है, तो यानी सब्ट्रैक्ट भी करने लगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन हटा दीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, यहां पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये हो गया मल्टीप्लाई। और यहां पे क्या करना है आपको, सिंपली यहां पे देखिए इस तरीके से इसको हटा करके और मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, ए इंटू बी हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको चला दीजिएगा तो बस ए इंटू बी का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैंने रन करवा दिया, अब ए इंटू बी का रिजल्ट आएगा, तो क्या रहा है 5 × 6 = 30 होता है, तो मल्टीप्लाई इज 30 आ रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये आपको करना है। तो अगर आपको इस तरीके का प्रोग्राम दिया जाता है तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है ना, ओके।